या को जिस तरह के नाम ही है इश्क जवरिया, गुलकी के लाइफ में जो आदित्य है, प्यार हो गया है या शादी हो गया है, क्या हो रहा है घर में टेंशन। जिस तरह में एक सीन देखा भी मैं आपसे पहले, काफ़ी सारे सुनने को पड़ रहा है आदित्य को आपके घर में। तो बात ऐसी है कि मैं शादी करके आ तो गई हूँ उस घर में, लेकिन वो ज़बरदस्ती की शादी है, ये आपको भी पता है। तो घर में जो फैमिली ड्रामा होता है वही है। और यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है ना कि गुलकी गरीब घर से आई और ये लोग हैं एकदम अवस्थी व्यवस्थी, तो इनको लगता है कि मैं इनके पैसों के पीछे पड़ी हूँ और इसके लिए घर में रोज़ आए नए ड्रामा ये लोग मेरे लिए प्लान करते हैं और उसी में मुझे फंसा देते हैं। तो अभी भी यही चल रहा है कि ड्रामा प्लान किया गया है और इसमें मैं फंस गई हूँ, लेकिन उससे निकल भी रही हूँ। इतनी खूबसूरत गुलकी है, देखा जाए उसको सताया जा रहा है, उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है कि इतनी मासूमियत को क्यों सताया जा रहा है? कभी भी आपने सोचा? शर्म नहीं है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। और सताया तो वैसे उसको मधुमिता के घर पर भी ज़्यादा था, वहाँ पर उतना ही सताया जाता था, लेकिन जैसे वो गुलकी का स्पार्क है कि प्रॉब्लम जो है उससे लड़ना, उससे निकलना, वही गुलकी ने वहाँ किया, वही गुलकी यहाँ भी करी। हम देख रहे हैं कि जिस तरह प्रॉब्लम के समस्या के समाधान आप कोई ना कोई निकाले, तो हमेशा एक नारी शक्ति दिखाते हो आप, अपने आप को बचो और दूसरों को भी बचाते हो। इस बार जो दलदल में फंसते जा रहे हो आप, जो किस तरह के आप सामना करो, कैसे खुद को भी बचाओगे और अपने परिवार को भी बचाओगे? इस बार ये थोड़ा टफ है क्योंकि यहाँ पर, अब वहाँ तो मधुमिता एक ही थी, यहाँ पर ये 5 से 7 लोग मेरे पीछे पड़े, तो एक एक से निपटना पड़ता है और इनसे निपटने के लिए मुझे कई बार जख्मी भी होना पड़ जाता है और कई बार हार भी जाना पड़ता है एक पॉइंट के लिए। पर फिर वही जो बिलीव है गुलकी का, जो स्पिरिट है गुलकी का, वो जागता है, फिर गुलकी फिर से वो चीज़ करने के लिए उठती है, फिर से वो चीज़ करती है। आप नारी शक्ति दिखाना चाहते हो, चैलेंज की लड़की पर जितना भी कुछ जिम्मेदारी है, हार नहीं मानो, अपने हक लेके। बिल्कुल नहीं, जो गुलकी है वो एयर होस्टेस बनना चाहती है और उसके लिए उसे जो भी करना है वो करेगी, पर साथ ही साथ वो अपनी मर्यादा, अपने जो भी उसूल है उसको कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगी और ना तोड़ेगी। साथ ही में उसकी जो बहन है निकू, वो उससे भी उतना ही प्यार करती है, तो उसके लिए वो जो भी करती है आज, अभी अभी इधर जो चल रहा है वो उसी के कारण चल रहा है। हम देखा इससे एक बहुत सारे एक मैसेज भी दिया जा रहा है शो के माध्यम से कि नारी शक्ति वाकई में ही है, अगर चाहो पॉजिटिव, हार मान लेना ही सब कुछ नहीं होता है, आप एक मतलब हिम्मत दिखा रहे हो। हम बात करें एक्टर कामयाब पंजाबी के, जिसके साथ इतने सीनियर एक्टर है, किस तरह के आपको बॉन्डिंग है, किस तरह का आपको फीडबैक मिला है, किस तरह आपको सपोर्ट मिल रहा है? कभी होता है भाई कि सीनियर एक्टर कभी सपोर्ट कर दे, कभी लड़खड़ा जाता है सारा बंदा, क्या यहाँ जो हम स्टार्टिंग में मधुमिता के यहाँ देते तभी भी यही था कि कैसा है क्या चल रहा है, मैंने मतलब अब तक वहाँ सीन शूट हुए नहीं है, पर जब से यहाँ आए हैं जो फैमिली सीन्स होते हैं उसमें जो हंसी मजाक जो ऑफ कैमरा होती है, ऑफ स्क्रीन जो होती है, वो हमारे सेट पे मेंटेन रहती है, टचवुड, वो अच्छी चीज़ है, जिससे जो परिवार वाला माहौल है वो बना रहता है। और जब बात करते हैं कामया मैम के साथ सीन्स की, तो वहाँ एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी उनसे सीखी है, ये कि अपनी लाइंस जो है आपको चाहिए तो आप उन्हें जिस भी, अब ये हर सीनियर एक्टर से सीखा जाता है कि आप अपनी लाइंस को तोड़े मोड़े जैसे मरोड़े आप उन्हें और ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये चीज़ बाय गुलकी का कैरेक्टर प्ले करते करते मैंने ये चीज़ और बखूबी सीखी। हम देखा जाए तो इस महीने ना देखा जाए रक्षाबंधन भी है और 15 अगस्त भी है, तो किस तरह के आप पहली बार जब राखी बांधे होगे तो किस तरह के मेमोरी है, और 15 अगस्त पहली बार जब करें किस तरह के आपको मेमोरी है दोनों की? यहाँ अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि छुट्टी नहीं होती है, छुट्टी चाहिए, हाफ डे दे दो कम से कम। तो अब जो रक्षाबंधन है, अब भाई बहन है सारे मिलते हैं, भाई घर पर आते हैं, बहनें घर जाती है, तो हमारे सब हमारे घर पर आते हैं सारे मेरे भाई जो भी है, तो यहाँ मैं अभी वही लगी पड़ी हूँ कि मुझे हाफ डे दे दो ताकि मैं जाके मेरा रक्षाबंधन मना लूँ। और 3 अगस्त की तो प्लानिंग कोई से इस गिफ्ट है जो मेमोरी में रहा होगा, जो मिला होगा गिफ्ट आपको बरकत? अरे मेरा सबसे फेवरेट गिफ्ट था, मुझे एक डॉल सेट मिला था, इतना बड़ा डॉल सेट था वो, और मैं वो टाइम पे डॉल्स की ना बहुत एकदम फैन बन गई सारी लड़कियाँ, तो मेरे भाई ने मुझे मिलकर ना एक इतना बड़ा डॉल सेट गिफ्ट किया था और मैं उसमें इतना मैं खुशी से ज़्यादा रोई थी कि वह डॉल सेट और वो मेरे लिए बेस्ट मेमोरी है। पर उसके बाद हाँ सब में जो भी एक्सपेक्टेड रहता है वो मिल जाता है, तो मन को शांति है। तो हम जाना चाहते हैं 15 अगस्त के लिए जवान जो हमारा रियल हीरो है, जो लाइफ का हम सब का, वो जागते हम सोते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी तरफ से प्रश्न जी? आज हम अगर सुकून की नींद सो रहे हैं, सुकून का खाना खा रहे हैं, अपना काम शांति से कर रहे हैं ना, हर एक चीज़ जो हमें शांति से यहाँ दिख रही है वो उन्हीं के कारण दिख रही है, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और दूसरी तरफ जो उनकी फैमिली है, मैं उनको सल्यूट करना चाहती हूँ कि वो उनसे इतने दूर रहकर भी जो मन में उनकी जो शांति है वो शांति उनमें कैसे है, मैं उस चीज़ को देख के सल्यूट करना चाहती हूँ, और उनको तो सल्यूट है ही हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से। जय हिंद। ठीक है, आपको पूरा नाम है टीवी से बॉलीवुड तक। हे गाइस, आई एम सुधी शर्मा एंड यू वाचिंग मी ऑन टीवी से बॉलीवुड तक। थैंक यू।